दुनिया भर में भले ही कोरोना वायरस का कहर जारी है, लेकिन इस वायरस से संक्रमितों का रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है। दुनिया में कोरोना वायरस के 1,66,00,000 से ज्यादा मामले हैं, जिनमें 6,56,852 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस महामारी को मात देने वालों की संख्या 1,00,00,000 के पार पहुंच रही है। ये पूरी दुनिया का आंकड़ा है। इससे साफ है कि ठीक होने वालों का रिकवरी रेट काफी अच्छा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो लोग कोरोना को मात देकर हॉस्पिटल से लौटे हैं, उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हॉस्पिटल से लौटने के बाद बढ़ते ये सावधानियां। पिछले दिनों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय और CDC की तरफ से अलग अलग समय पर इस बारे में अनेक जानकारियां दी जा चुकी हैं कि कोरोना संक्रमित होने और इस संक्रमण से ठीक होने के बाद व्यक्ति को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी डाइट पर फोकस करें। जी हाँ, उन व्यक्तियों को सबसे पहले अपनी डाइट पर फोकस करना चाहिए। साथ ही अपनी सेहत और मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स ने जो खाने की सलाह दी है, उसी के अनुसार अपनी डाइट रखें, क्योंकि ये संक्रमण शरीर को बहुत अधिक कमजोर बना देता है। स्थिति में जरा सी भी लापरवाही कई बीमारियों की वजह बन सकती है। लोगों से पर्याप्त दूरी। ऐसे लोग परिवार के सदस्यों से पर्याप्त दूरी, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। जी हाँ, भले ही कोरोना संक्रमण रिपोर्ट नेगेटिव आई हो, लेकिन फिर भी लोगों से उचित दूरी बनाना जरूरी है। पिछले दिनों आई रिपोर्ट्स के आधार पर कोरोना का वायरस इस संक्रमण का टेस्ट नेगेटिव आने के बाद भी काफी दिनों तक शरीर में रह सकता है। इसलिए ठीक होने के बाद भी हर व्यक्ति को कम से कम अगले 2 सप्ताह तक सभी तरह की प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए। बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। हॉस्पिटल से लौटे व्यक्ति को कम से कम बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में इलाज के दौरान काफी कमजोरी आ जाती है और शरीर की इम्यूनिटी को दोबारा बिल्डअप करना पड़ता है, जिससे दूसरी बीमारी अटैक ना कर सके। नींद पूरी करें। जो लोग हॉस्पिटल से लौटे हैं, उन्हें घर लौटकर भरपूर नींद लेनी चाहिए। ऐसा करने से संक्रमण के चलते जो कमजोरी आई है वो दूर हो जाएगी। साथ ही गर्म पानी से स्नान, हाथों को साफ और मास्क को पहनना नियमित रखें। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर, दिल्ली।